में आए जोरदार बारिश से नदी नाले में बाढ़ आ गई है और उस पर बांध का पानी छोड़ने से वर्धा और वीणा नदी उफान पर है। कान्होली गांव में 15 दिन में दूसरी बार बाढ़ आई है। पूरा कान्होली गांव बाढ़ के पानी से घिरा पड़ा है। अभी तक 60 नागरिक को प्रशासन ने रेस्क्यू करके स्थानांतरित किया है और करीब 300 नागरिक को बचाने का कार्य जारी है। कान्होली गांव की परिस्थिति गंभीर होने से उप विभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले ने घटनास्थल पर पहुंचते ही उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रशासन ने इन पर ध्यान केंद्रित किया है। हिंगनघाट तालुका के कापशी के वर्धा नदी पर पुल पर से पानी बह रहा है, जिस वजह से हिंगनघाट राड़ेगांव मार्ग वाहतूक के लिए बंद किया गया है। हिंगनघाट से कैमरा पर्सन राजेंद्र कड़ू के साथ रवि येनोरकर की रिपोर्ट।